एपिसोड की शुरुआत में हम युनसो और युनहो को देखते हैं। यहीं पर दोनों का शूटिंग हो रहा होता है। यहीं पर शूटिंग में युनसो युनहो से कह रहा होता है कि मुझे लगता है मुझे तुम्हारे ऊपर फीलिंग्स है। इसे सुनकर युनहो बताता है मैं तुम्हारे बात को नहीं सुनूंगा। तभी युनसो बताता है तुम्हारे ये बात को सुनकर मुझे सैड फील हो रहा है। तभी वहाँ युनबिन वहाँ आती है क्योंकि वो उस शूटिंग में युनसो का बहन होती है और वो युनहो का गर्लफ्रेंड है। और वो कहने लगती है मैं थोड़ी लेट आई हूँ, मुझे मेरा भाई और बॉयफ्रेंड को साथ में देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सैड भी हूँ क्योंकि मेरा भाई आर्मी ज्वाइन करने वाला है। इसे सुनकर युनहो शॉक हो जाता है। यहीं पर युनसो और युनहो युनबिन का पीछे उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हम ताई और युनहो को देखते हैं। दोनों इस स्टोरी को पढ़ रहे होते हैं। तभी ताई मोबाइल को ऑफ़ करता है। इसे देखकर युनहो कहता है तुम क्यों मोबाइल को ऑफ़ किए हो, मुझे ये स्टोरी अच्छा लग रहा था। तभी ताई पूछता है तुम प्राउड फील कर रहे हो ना, क्या तुम इस अफेयर स्टोरी को देखकर तुम भूल चुके हो पहले हम दोनों कपल्स थे। तभी सु पूछता है क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, लेकिन ए मेरा नज़र में क्यों नहीं आया था। तभी युनहो बताता है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों फैन फिक्शन के बारे में बात कर रहे थे जिसे हमारे फैंस ने हम दोनों के बारे में स्टोरी बनाकर लिखे थे, लेकिन अब हमारे फैंस ताई और मेरे बारे में नहीं लिख रहे हैं बल्कि तुम और मेरे बारे में लिख रहे हैं। इसे पढ़कर ताई जल रहा है। तभी ताई युनहो से हम दोनों सेल्फी लेते हैं कहता है और वो कहने लगता है काफ़ी साल हो चुका है हम दोनों फ़ोटो नहीं ले चुके हैं। इस फोटो को देखकर हमारा फैंस फिर से हम दोनों को ऊपर स्टोरी लिखेंगे। तभी युनहो वहाँ से उठकर युनसो का पास जाता है और वो युनसो के साथ सेल्फी लेने लगता है। यहीं से सीन चेंज होता है और हम पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन देखते हैं जहाँ पर युनसो इसका मतलब मैं तुझे पसंद करता हूँ कहकर युनसंग से कहता है। इसे सुनकर युनसंग शॉक हो जाती है। उन दोनों को देखकर जिम ट्रेनर मैं 5 मिनट में आता हूँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी युनसंग युनसो से कहती है तुम मेरी बात को कुछ और समझ रहे हो कहकर जिम ट्रेनर को बुलाती है और वो जिम ट्रेनर से कहने लगती है मुझे युनहो को पिक करना है कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर हम युनहो का शूटिंग का सीन को देखते हैं जहाँ पर युनहो का मरने का सीन हो रहा होता है। यहीं पर युनसंग भी होती है और युनसो ने कहे हुए बात को याद कर अपने आप से कहने लगती है ओ मुझसे क्यों ऐसा बात कर रहा था, लेकिन मैं उसे लिरिक्स लिखने में मदद करने के लिए ऐसा एंकरेज कर रही थी। क्या युनसो उसका फैमिली को मिस कर रहा है और वो मेरी केयरिंग को प्यार समझ गया है। तभी वहाँ युनहो का मरने की सीन ख़त्म होता है। तभी डायरेक्टर युनहो का एक्टिंग का तारीफ करने लगते हैं। तभी सभी स्टाफ युनहो से अब तुम्हारे विश पूरी हुआ क्योंकि अब तुम ड्रामा में मर चुके हो। तभी युनसंग को मिस्टर बैंग वीडियो कॉल करते हैं और वो युनसंग से कहने लगते हैं मैं युनसो का वीडियो एडिट कर तक चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। तभी युनसो कहती है तो आप उसे अलग वॉइस दीजिए। इसे सुनकर मिस्टर बैंग कहते हैं वो तो मैं कर चुका हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तभी युनसंग तो आप वीडियो में सबटाइटल दीजिए। तभी मिस्टर बैंग मैं वो भी ऑलरेडी कर चुका हूँ लेकिन वो भी अच्छा नहीं आया है, इसीलिए मैंने तुझे कॉल किया। और वो पूछने लगता है युनसो का लिरिक्स का क्या हुआ। युनसंग बताती है मैं उसे चेक करती हूँ तो आप टेंशन मत लो। तभी मिस्टर बैंग युनसो और हीना का वीडियो को देखते हुए कहते हैं उन दोनों का बीच का केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तभी मिस गोंग युनसंग से पूछती है क्या हम युनसो को इस शो से निकाल सकते हैं क्या। इसे सुनकर युनसंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टर बैंग युनसंग से
हम युनसु के बदले युनहो को इस शो में डालेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो दोनों सेम ग्रुप से है। तभी युनसांग कहती है लेकिन युनहो तो अब ड्रामा में बिजी है। तभी मिस गोंग कहती है लेकिन युनहो इस ड्रामा में मरने वाला था ना। तभी युनसांग कहती है लेकिन युनहो फिर से जिंदा होकर आने वाला है तो थोड़ा बिजी है। फिर भी वो दोनों युनसांग से युनसु को शो से बाहर कर युनहो को उसका जगह में रिप्लेस करने की बात कर रहे होते हैं। तभी युनसांग कहती है लेकिन युनसु सॉन्ग राइटिंग में अच्छा है लेकिन उसे एक्टिंग करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है तो आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए। तभी मिस्टर बैंग युनसांग के बात को मानते हैं और वो कहने लगते हैं तो हम हीना से इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि उसे उसकी ईगो को छोड़कर युनसु से अच्छे से बात करना चाहिए। तभी युनसांग मिस्टर बैंग से आप ऐसा मत करो कहती है। तभी मिस गोंग युनसांग से पूछती है क्या युनसु को गर्लफ्रेंड है। इसे सुनकर युनसांग कहती है नहीं उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी मिस गोंग कहती है तुम्हें नहीं पता मैं सुनी हूँ 70% आइडल्स रिलेशनशिप में होते हैं। तभी मिस्टर बैंग कहते हैं अगर युनसु को कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे हीना के साथ अच्छे से एक्टिंग करना चाहिए। और मिस गोंग कहने लगती है इसका मतलब वो किसी को प्यार कर रहा होगा। इसे सुनकर युनसांग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस गोंग कहने लगती है क्या पता वो आपको पसंद कर रहा होगा। तभी युनसांग मिस गोंग से कहने लगती है आप क्या बात कर रहे हो कहकर हंसने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हम युनसांग को देखते हैं जो युनसु को ढूंढते हुए प्रैक्टिस रूम में जाती है जहाँ पर युनसु फ्लावर बुके को पकड़कर बैठा हुआ होता है। इसे देखकर युनसांग को समझ में आती है कि युनसु उसे प्रपोज करने के लिए आया है और वो कहने लगती है कि आपको कैसे पता मुझे ये फ्लावर्स पसंद है। तभी युनसु कहता है क्या तुम्हें ये फ्लावर्स पसंद है। तभी युनसांग युनसु के पास आकर कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ इसीलिए अच्छे से रह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ और मुझे इसीलिए अच्छे से पेमेंट मिलती है और कुछ नहीं है। तभी युनसु कहता है तो इसीलिए तुम मेरा ख्याल रख रहे थे। युनसांग कहती है हाँ और मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के लिए ऑफिस लोगों का बात को सुनना पड़ा। तभी युनसु कहता है क्या मेरे वजह से तुम उन लोगों का बात को सुनकर आई हो। युनसांग कहती है लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि ये मेरी जॉब है। लेकिन तुम अब क्या कर रहे हो। तभी वहाँ कुछ स्टाफ्स डांस इंस्ट्रक्टर का प्रेगनेंसी सेलिब्रेट करने के लिए केक लेकर आते हैं। ये बात युनसांग को नहीं पता होता है और वो युनसु के पास जाकर युनसु का हाथ से फ्लावर को लेकर युनसु से बताने लगती है तुम युनहो को शो एंड होने के लिए उस फ्लावर को लेकर आए हो ना। तभी स्टाफ बताने लगते हैं तुम ए फ्लावर को हमारे कहने पर लेकर आए थे ना। तभी युनसांग युनसु को देखने लगती है। युनसु कहने लगता है मैं युनहो के लिए फ्लावर अगले बार लेकर आऊँगा लेकिन मैं ए फ्लावर को डांस इंस्ट्रक्टर को लेकर आया हूँ कहकर युनसांग के हाथ से फ्लावर का बुके को ले लेता है। तभी वहाँ डांस इंस्ट्रक्टर आती है और वो लोग उन्हें कंग्रेचुलेशन कहने लगते हैं। यहीं पर युनसांग को एम्बेरेसमेंट फील होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। फिर हम एलजे मिस्टर गुहान हैरली और मिस्टर किम को एक होटल में देखते हैं जहाँ पर एलजे हैरली को उनका एल्बम सॉन्ग का कॉन्सेप्ट को दिखा रहा होता है। इसे देखकर हैरली को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों से पूछने लगती है एक क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने सोचा था मुझे एक स्ट्रांग और प्रिटी गर्ल का कैरेक्टर मिल जाएगी लेकिन मैं इस कैरेक्टर में मैं एक बॉय को इम्प्रेस करने वाली लड़की हूँ। एक कहकर वो किम से पूछने लगती है ये सब क्या हो रहा है। तभी मिस्टर किम मुझे भी कुछ नहीं पता है कहकर मिस्टर गुहान को देखने लगता है। तभी गुहान बताने लगते हैं हम एक नया एल्बम को देख चुके हैं जहाँ पर भी इस तरह ही थीम होता है लेकिन तुम टेंशन मत लो केविन ने कहा है
वो तुम्हारे लिए एक अच्छा सॉन्ग लिख देगा। फिर भी हैरली इस कॉन्सेप्ट को सुनकर खुश नहीं दिखती है, लेकिन मिस्टर गुहान उसे समझाने लगते हैं कि इससे तुम्हें ज़्यादा फायदा है, क्योंकि सब बॉयज तुम्हारे फैंस बन जाएंगे। फिर हम टायू को देखते हैं, जो युनबिन से मिलने के लिए होटल में मास्क पहनकर आता है। इसे देखकर युनबिन कहती है, तुम क्यों मास्क पहनकर आए हो? वैसे तुझे बिना मास्क के भी कोई भी पहचान नहीं सकते हैं, तो तुम उस मास्क को निकालो। और वो टायू से पूछने लगती है, क्या तुम हैरली की इंस्टा की पोस्ट को देख चुके हो? कहकर उसे हैरली का पोस्ट को दिखाने लगती है, जहाँ पर वो उन लोगों के साथ खींचे हुए फोटोज को पोस्ट कर चुकी होती है। उसे देखकर टायू बताता है, ये क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तभी युनबिन कहती है, लेकिन ये पोस्ट तो बहुत वायरल हो चुकी है, तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना होगा। तभी टायू कहता है, क्या हम दोनों भी सेल्फी लेकर पोस्ट करेंगे, लेकिन इस जगह में? पे युनबिन, हाँ, मेरी मेकअप कंप्लीट होने के बाद। तभी टायू कहने लगता है, तो इसीलिए तुम यहाँ स्टाइलिश होकर आए हो। फिर हम युनसु को देखते हैं, जो पियानो प्ले कर रहा होता है, जहाँ पर युनसांग भी होती है। और वो कहने लगती है, मुझे ये ट्यून अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये ट्यून लव सॉन्ग के जैसा है। तभी युनसु कहता है, मैंने ऐसा ही प्ले किया था, अगर तुम्हें ये ट्यून पसंद आया तो मैं इसमें कुछ ट्राई करूँगा, कहकर फिर से पियानो प्ले करने लगता है। यहीं पर युनसांग युनसु का पियानो प्ले करने की तरीका को तारीफ करने लगती है। तभी युनसु कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तभी युनसांग पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? युनसु कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरे वजह से प्रोड्यूसर के सामने खुद को नीचे दिखाना पड़ा। तभी युनसांग कहने लगती है, मिस्टर बांग ने कहा था कि तुम और हीना का केमिस्ट्री सेट में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तभी युनसु कहता है, अगर मेरा और हीना का बीच में केमिस्ट्री नहीं हुआ तो तुम उनके सामने कैसे नीचे दिख सकते हो? मेरा और हीना का बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी युनसांग बताती है, मेरी मतलब ऐसा नहीं था। युनसु कहता है, अगर तुम्हारा मतलब ऐसा नहीं थी, फिर भी तुम्हारा बात को सुनकर मुझे बुरा लगा। तभी युनसांग कहती है, तुम सैड फील मत करो, मैं तो शो की बॉन्डिंग के बारे में कह रही थी। तभी युनसु कहता है, इसीलिए एक अच्छा सॉन्ग काफ़ी नहीं है क्या? तभी युनसांग समझाने लगती है कि लोगों को कहानी देखने में अच्छा लगता है, तो लोग सॉन्ग में भी कहानी ढूंढते हैं। इसीलिए अगर तुम हीना के तरह एक बॉन्डिंग को दिखाओगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। वैसे तुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो तुम इसे मिस मत करो। यहीं पर युनसु युनसांग का बात को मानता है। इसे देखकर युनसांग खुश हो जाती है। फिर हम अगले दिन का सीन को देखते हैं, जहाँ पर युनसांग युनसु से पूछने लगती है, क्या तुम्हें कल का बात याद है ना? तभी युनसु बताता है, हाँ, मुझे सब कुछ याद है। फिर हम युनसु और हीना का शूटिंग का दिन को देखते हैं। यहीं पर युनसु को हीना को खाना खिलाना था, लेकिन वो खुद ही खा रहा होता है। इसे देखकर हीना को गुस्सा आ रही होती है। युनसु को खाते हुए देखकर युनसांग भी परेशान हो जाती है, और वो कहने लगती है कि युनसु ने कहा था कि वो हार्डवर्क करेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो खाना खाने में हार्डवर्क करेगा। तभी सब लोग युनसु को इशारे में हीना को खाना खिलाने के लिए कहते हैं। यहीं पर युनसु एक बड़ी सुशी का पीस को लेकर हीना को खिलाने के लिए जाता है। इसे देखकर हीना मना कर रही होती है, फिर भी युनसु हीना को बड़ी सुशी का पीस को मुंह में घुसा लेता है। यहीं पर सुशी हीना का मुंह में अटक जाती है, इसकी वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल हो रहा होता है। तभी सब लोग शूटिंग को ऑफ कर वहाँ आ जाते हैं। यहीं पर युनसु हीना के मुंह से खाना को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। यही हीना का मुंह से सुशी बाहर आ जाती है, और वो लोग हीना को वहाँ से ले जाते हैं।
तभी हीना का मैनेजर युनसांग को डांटने लगते हैं। यहीं पर युनसांग मैनेजर से सॉरी कहती है। इसके बाद युनसांग युनसु को देखती है जो सबसे माफ़ी मांग रहा होता है। तभी युनसु भी युनसांग को देख लेता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी युनसांग युनसु को अम्ब्रेला पकड़ती है। तभी युनसु तुम अम्ब्रेला को हटाओ कहता है। युनसांग कहती है ये मेरी काम है। तभी युनसु कहता है मैंने तुझे फिर से उन लोगों के सामने नीचे दिखाया था, कहकर युनसांग से माफ़ी मांगता है। तभी युनसांग कोई बात नहीं, अगर मेरी बैकबोन टूट जाएगी तो कंपनी से मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगी, कहकर मजाक करने लगती है। और वो कहने लगती है वैसे तुम दोनों का बीच में केमिस्ट्री दिखाना उतना मुश्किल नहीं है, अगर तुम किसी को पसंद करने लगोगे तो तुझे इसे ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और वो कहती है किसी को कुछ वजह से लाइक करना गलत नहीं है। तभी युनसु कहता है जैसे कि तुम मेरे साथ इसीलिए अच्छे हो क्योंकि ये तुम्हारा काम है। तभी युनसांग को स्टाफ्स बुलाने लगते हैं और वो युनसु को उसके अम्ब्रेला को देकर वहाँ से जाने लगती है। फिर हम हीना को देखते हैं रेस्ट ले रही होती है। तभी वहाँ युनसु आता है और हीना से माफ़ी मांगता है। तभी हीना वहाँ से जाने लगती है। युनसु भी उसका पीछे करते हुए जाने लगता है और वो कहने लगता है कि ये मेरा पहला एंटरटेनमेंट शो है तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए जाने लगते हैं। इसे मिस्टर बांग देकर सबसे शूटिंग करने के लिए कहते हैं। फिर युनसु और हीना एक जगह पर बैठते हैं जहाँ पर हीना युनसु को हंसने के लिए सिखा रही होती है। युनसु भी हंसने लगता है। उन दोनों को देखकर मिस्टर बांग कहते हैं अब उन दोनों का केमिस्ट्री अच्छे से दिख रहा है। यहीं पर युनसांग भी खुश दिखती है। इसके बाद युनसु और हीना साथ में म्यूजिक सुनने लगते हैं। यहीं पर दोनों म्यूजिक सुनते हुए अच्छे से बात कर रहे होते हैं। इसे युनसांग ध्यान से देख रही होती है। तभी एक स्टाफ का पैर एक वायर में अटक जाता है और वो गलती से युनसांग को पकड़ता है। तभी युनसांग गिरने ही वाली होती है। तभी वो कैमरा को पकड़ती है। तभी उसे फ्यूचर दिखने लगता है जहाँ पर युनसांग हीना और युनसु को किस करते हुए देखती है, जहाँ पर उनके पीछे कैमरा भी होता है। इसे देखकर युनसांग कहने लगती है क्या युनसु और हीना किस करते वक्त वो दोनों मीडिया वालों से पकड़े गए हैं। और वो कहने लगती है ये केमिस्ट्री हमें नहीं चाहिए था। यहीं पर टॉप मैनेजमेंट का 9th एपिसोड ख़त्म होता है।